हाय एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। आप सब लोग जानते हो कि मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, नीट क्रैक किया था मैंने। आप सब लोगों ने मेरी सक्सेस देखी है, राइट? पर लेकिन आप सब लोगों को ये नहीं पता कि मैंने अपनी लाइफ में कितने फेलियर्स फेस किए हैं। जो आप मुझे अभी देख रहे हो, आई वॉज नॉट लाइक दिस 2 ईयर्स बैक। मैंने नीट 3 अटेम्प्ट में क्लियर किया था। आज मैं आपसे उस फेलियर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ जो मैंने नीट के पहले फेस किया था। आज मैं आपसे उस फेलियर के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मैंने नीट क्लियर करने के बाद फेस किया था। पिछले 3 साल से नीट के लिए मेहनत कर रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मैंने दिन रात पढ़ाई करी और मेरा ड्रीम यही था कि मैं एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करूं। जब नीट का रिजल्ट आया और कॉलेज लेने की बारी आई तो उस टाइम पे मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छोड़ के अपने सिटी का एक एवरेज सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना पड़ा। पिछले 3 साल से मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रही थी वो चीज़ मुझे मिल भी रही थी, फिर भी आज मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। जो मेडिकल कॉलेज में डिजर्व करती थी वो मेडिकल कॉलेज में नहीं ले पाई और ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा रिग्रेट बन चुका था। उस टाइम पे मैं अपने लाइफ से इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी कि मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है और अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। इनफैक्ट मैंने अपने घर वालों से बोल दिया है कि आप लोगों ने मेरा एडमिशन तो भले ही करा दिया पर मैं कभी कॉलेज नहीं जाऊँगी। जैसा मैंने बोला था मैंने सेम वैसा ही किया। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है और ये चीज़ मुझे पता भी थी, फिर भी मैं कॉलेज नहीं जाती थी। जब मैं कभी कभार कॉलेज जाया करती थी तो सब लोग शॉक्ड हो जाते थे कि ये कौन आ गया है बैच में, अपने बैच का तो नहीं लग रहा है। और जब मैं क्लास जाती थी तो मैं कभी आधे घंटे लेट जाती थी, कभी 45 मिनट्स। जब कभी क्लास ख़त्म हो रही होती थी तब मैं क्लास में एंट्री ले रही होती थी। कभी कभार प्रोफेसर मुझे डांट के भगा देते थे क्योंकि मैं काफ़ी लेट क्लास में पहुँचती थी। और इस तरह से मेरा फर्स्ट ईयर चलता जा रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी रहती थी पूरे दिन और ओवरथिंकिंग की ऐसी गलत बीमारी लगी थी मुझे कि मैं रात में इतना ओवरथिंक करती थी कि सुबह 5 बजे तक मुझे नींद आती थी और उसके बाद मैं सो जाती थी और क्लास उसके बाद फिर नहीं जा पाती थी क्योंकि मैं 2 बजे उठती थी। ऐसा इंसान जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हुआ करता था, उसके बड़े बड़े ड्रीम्स होते थे, आज अगर उससे कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में तो वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बस ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दो। तो वो टाइम भी मैंने फेस किया, वो थी मेरे लाइफ की सबसे बड़ी फेलियर। पर लेकिन अगर आप एक एम्बिशियस इंसान हो और आपकी हार्ड वर्किंग करने की आदत होती है, किसी रीज़न की वजह से आप टूट जाते हो पर लेकिन आपका जो मेन नेचर है वो बदलता नहीं है। मैं एक दिन बैठी थी और मेरे दिमाग में आया कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। मतलब बहुत दिनों के बाद वो थॉट आया था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। और फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अब क्या बड़ा करेंगे, बड़ा तो किया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। स्टिल अभी एवरेज मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है कुछ करने का, ठीक है? तो ऐसे थॉट्स आए पर लेकिन मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई, जो भी हुआ उसे भूल जाएंगे और लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। और यही सोच के मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उस पर मैं फिज़िक्स पढ़ाती थी क्योंकि फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। फिज़िक्स के क्वेश्चन जब भी मैं सॉल्व करती थी तो मुझे अपना वो टाइम याद आता था जब मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हुआ करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं फिज़िक्स पढ़ाऊँगी। और मैंने कुछ 7 to 8 वीडियोस बनाई थी फिज़िक्स से रिलेटेड, अभी भी डली है वो चैनल पे। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी और मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा वीडियो को एडिट करने में। एंड देन मैंने हेल्थ रिलेटेड कुछ कंटेंट ब्लॉग टाइप का लिखना भी स्टार्ट किया था। अगेन फिर से वो डिप्रेसिव थॉट्स वगैरह आने लगे मेरे मन में और जो मेरा जो नया कुछ करने का जो चाह था वो दब गया और मैं फिर से डिप्रेशन में चली गई। देन मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आ गया और मैंने वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया और वो चैनल भी बंद हो गया, डेड हो गया। फिर मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि अगर नहीं पढ़ते तो फेल हो जाते। किसी तरह से पढ़ के मैंने फर्स्ट ईयर पास किया और मेरे नंबर भी अच्छे आए थे फर्स्ट ईयर में, तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि अभी भी मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा नहीं गिरी हूँ कि मुझे उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। एंड देन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल अगेन विथ फुल पावर। इनिशियली आई ट्राइड मैनी थिंग एंड आई फेल्ड मिजरेबली कई बार मन में आता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, बट आई कंटिन्यू टू मेक कॉन्टेंट। बहुत लंबे टाइम तक वेट करने के बाद फिर मेरा वीडियो एक वायरल हुआ एंड देन आई स्टार्टेड टू रीच मेनी पीपल। इस फील्ड में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। एक टाइम ऐसा था कि मेरे कॉलेज में, इनफैक्ट मेरे बैच में मुझे कोई नहीं जानता था और आज एक ऐसा टाइम है जब मुझे कई सारे लोग जानते हैं थ्रू माई यूट्यूब चैनल। इस पूरे जर्नी से मुझे ये सीखने को मिला है कि कोई भी फेलियर इतना बुरा नहीं होता है कि आपको गिरा सके, आप हमेशा ही उठ सकते हो। कितनी भी बड़ी फेलियर आप क्यों ना फेस कर रहे हो, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए बिकॉज जब भी आप फेल होते हो तो उस टाइम पे आपके लिए कई सारे नए रास्ते खुल जाते हैं, आप नए नए
रास्तों की तरफ जाते हो, नए नए फील्ड में एक्सप्लोर करते हो। टू बी ऑनेस्ट, अगर उस टाइम पे मैंने कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिया होता तो शायद मैं आज कुछ नया नहीं कर रही होती, नॉर्मल लाइफ जी रही होती और मुझे ऐसा लगता कि मैं इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकती थी। बट लेकिन टू बी ऑनेस्ट, हमारा फेलियर हमारे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। वो हमें नई नई चीजें सीखने को प्रेरित करता है, जिससे हम अपने लाइफ के उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचने का हम कभी सपना भी नहीं देख सकते थे। जब भी किसी इंसान को कुछ खोने से बहुत ज्यादा डर लगता है और वो चीज इंसान के पास नहीं होती है, उस टाइम पे इंसान टूट जाता है। पर लेकिन उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि अगर ये चीज मेरे पास नहीं होती तो भी मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ हूँ, और अगर वो फेलियर मैंने फेस नहीं किया होता तो आज मैं सिर्फ एक MBBS स्टूडेंट बन के रह जाती ना, मैं आज एक कंटेंट क्रिएटर, ना एक यूट्यूबर, ना इतने सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते। इसलिए जो भी आपके साथ हो रहा है उसका कोई ना कोई रीज़न है। इनिशियली आपको लगेगा कि इतना बड़ा फेलियर मैंने फेस कर लिया, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, पर लेकिन हो सकता है कि वो फेलियर आपके बेटरमेंट के लिए हो, आपके लिए उससे भी कुछ अच्छा वेट कर रहा हो। सो कभी भी आपको होपलेस नहीं होना है, हमेशा कोशिश करते रहना है। अब भले ही कितना भी लाइफ में गिर जाओ, हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब खुद पर ही तुम्हें प्राउड होगा कि यस आई डिड इट, वही तुम्हारा रियल सक्सेस होगा। सो आई होप मेरी ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।